अब तो फनी भी नहीं पता नहीं आई आई डोंट नो पता नहीं अब ओ भाई अब मुझे पता सीरियसली नहीं पता रिएक्शन भी क्या दूँ मैं इस चीज़ का जो अभी हुआ है जो भी कुछ हुआ है बाहर से ये तो पता ही था कि यूरोपा जानी है बट इस तरीके से मैन भाई और एक बात मैं सच बोलूँ मतलब आई लू वेरी ऑनेस्ट बुरा लगने वाला पॉइंट भी अब निकल चुका है कुछ रोने आने वाला पॉइंट तो इतना एक्ट मैं करूँगा नहीं कि नहीं मुझे रोना आता है देख के जो भी है बट मुझे हंसी भी आ रही थी एक पॉइंट पर एंड वो हंसी भी नहीं आ रही वो हंसी भी बंद हो चुकी है क्योंकि इस टाइम पे प्रॉब्लम तुम लोगों का बार्सिलोना को रिलेटेड कोई भी ओपिनियन हो सकता है एंड यू विल प्रॉब्ली बी राइट यू विल बी राइट लेजिट यू विल बी राइट बार्सिलोना को इंजरीज ने कॉस्ट करा यू विल बी राइट बार्सिलोना को रेफरीज ने कॉस्ट करा यू विल बी राइट बार्सिलोना लंड खेली बड़ी टीम्स के खिलाफ फुद्दू खेली यू विल बी राइट शावी हैज़ डन नथिंग गुड अगेंस्ट बिग टीम्स दिस सीजन यू विल बी राइट हमारे बिग प्लेयर्स लाइक लेवन डॉस हैव डिसअपॉइंटेड अस इन बिग गेम्स यू विल बी राइट हमारे विंगर्स जो स्किल के चौधे बनते रहते हैं हर जगह बिग गेम्स में आते ही वो सिर्फ हंकते रह जाते हैं ओवर प्ले करते रह जाते हैं यू विल बी राइट हमारी डिफेंसिव लाइन हमारे वेटरन्स आर एप्स शिट हमारे वेटरन्स आर द रीजन हमारी मेंटेलिटी गलत है यू विल बी राइट हमारे यंगस्टर्स डोंट डिजर्व दिस हमारे यंगस्टर्स आर वर्ल्ड क्लास यू विल बी राइट तो तुम्हारा कोई भी ओपिनियन हो सकता है बार्सिलोना इज नॉट अ गुड क्लब एनी मोर बार्सलोना इज नॉट दैट बिग ऑफ अ अट जो प्रॉब्लम उसके फैन समझते हैं यू विल प्रॉब्लि बी राइट क्योंकि हम दो साल लगातार यूरोपा खेल रहे हैं यू विल प्रॉब्ली बी प्रोबेबली यू विल बी राइट यस राइट नो मेसी कैरीड भाई मेसी मेसी यार मेसी के तो डिस्कशन में नहीं आना भाई आई डोंट नो इसके बाद तो भाई यू शुड नेम कैम्प नो टू मैसी भाई स्पॉटीफाई कैंप नू द फक भाई <laughs> <laughs> भाई इस डिस्कशन में तो मुझे आने नहीं आई डोंट आज के बाद मुझे मेसी और बार्सिलोना का डिस्कशन नहीं चाहिए दिस क्लब आई डोंट नो ब्रो आई डोंट नो मेंटेलिटी मैंटैलिटी आई डोंट नो वट तुम फील्ड पे उतरे बारसलोना को पता थी कि दे आर गोइंग डाउन टू यूरोप एंड फीड पे उतरते ही मिनट वन से पता था कि बारसलोना ऐसे खेल रही है जैसे उन्हें जीतना ही नहीं है वो वो हारने के लिए ये मैच खेल रहे थे कि बस ये मैच जल्दी से खत्म हो रहा हम घर जाए मैच के बाद उन्होंने पेडरी को भेज दिया भाई इंटरव्यू वगैरह के लिए उन्नीस साल के पेटरी को उन्नीस साल के पेडरी को भाई तुम पागल हो क्या भाई तो भाई बार्सलोना इज़ इट इज वॉट इट इज़ अब भाई क्या बोल सकता हूँ इसके अंदर अब बट ठीक है मुझे पता है शावी हाँ अगेन तुम शावी से रिलेटेड तुम्हारा कोई भी ओपिनियन हो सकता है वो सही हो सकता है क्योंकि दैट इज द रियलिटी शावी इज अ शिट मैनेजर यू कैन से दैट ही इज अ शिट मैनेजर क्योंकि टेक्निकली अगर जो हम गेम्स जीत रहे हैं उसके अंदर इंडिविजुअल ब्रिलियंस बहुत ज़्यादा है एंड इट इज़ इंडिविजुअल ब्रिलियंस मेकिंग अस विन गेम्स शावी इज़ एक्चुअली अ ग्रेट मैनेजर लेकिन भाई मैंटेलिटी हमारे प्लेयर्स की वजह से लैक कर रही है क्योंकि अभी भी वो प्लेयर्स है बुस्केट्स है गंद मचा देते हैं पीके ने इंटर के खिलाफ डट गंद मचा दिया था तो तुम वो भी बोल सकते हो क्योंकि लास्ट सीजन शावी ने बिग गेम्स के अगेन अंदर परफॉर्म करा था तो इट तुम कुछ भी बोल सकते हो एट दिस पॉइंट एंड यूर प्रॉबली बी राइट एंड एंड द रीज़न टू दिस इज़ कि बार्सलोना के साथ इतनी वेराइटी ऑफ इवेंट्स हो गए इस सीज़न पर्टिकुलरली पहले वो रेफरीज इंजरीज देन पुअर परफॉर्मेंस बाय वेटरन्स और फिर ये सब कुछ कि तुम लोग अपने टीम सिलेक्शन में चोध हो गया लेकिन जब टीम सिलेक्शन ठीक हो रही है तब भी तुम प्रॉब्लम ड्रॉ निकाल पा रहे हो इंटर के ख़िलाफ़ तो ये सारी चीज़ें अगर तुम इन सब चीज़ों के बारे, बारे में बात करोगे देन यू कांट रियली कम टू अ वेरी स्पेसिफिक डिसीजन की ठीक है दिस वॉज द रीजन जिसकी वजह से बार सरूना इज गोइंग टू यूरोपा सेकंड सीजन इज अ रो भाई एट दिस पॉइंट तो अगर तुम लोग कह रहे हो कि शावी तुम्हारे ओपिनियन में हटा देना चाहिए सैक कर देना चाहिए उसे तो तुम प्रॉब्ली सही हो सकते हो तुम्हारे रीजन सही हो सकते हैं एट द सेम टाइम अगर तुम जो कि प्रॉब्ली एक रिएक्शनरी अपने अंदर से हटाकर या प्रॉबली तुम लोगों का रीजन हो सकता है कोई भी रीजन हो सकता है कि इज नॉट दैट ग्रेट ऑफ अनेजर इन योर ओपिनियन तुम्हें टैक्टिकली कुछ इतना साउंड नहीं दिखता क्योंकि आर यू टेलीमी की देर आर नॉट बेटर टीम्स इन द वर्ल्ड कुंडे मैक्म गेम्स खेल रही है हमारे पास उससे बेटर डिफेंस उससे डिफेंस के साथ यू सी एल में आगे जाती देखी है तो आर द टैक्टिक्स गुड तो तुम लोग उसमें भी सही बात बोल सकते हो बट एट द सेम टाइम कि नहीं बहसलो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए दैट इज अ लॉन्ग टर्म आइडियोलॉजी एंड वी हैव टू वेट फॉर इट तो तुम भी सही हो सकते हो तो प्रॉबली तुम सही हो सकते हो <laughs> अरे भाई आई डोंट नो वॉट टू से दैट इज द होल पॉइंट ऑफ दिस और इतने जब जब इतने वेराइटी ऑफ इवेंट्स हुए होते हैं ना एक क्लब के अगेंस्ट एक टीम के अगेंस्ट एक सर्टन एक सर्टन कॉम्पिटिशन के अंदर तो यू कॉन्ट डिटर्मन कि ठीक है ये एक रीजन था जिसकी वजह से चैंपियंस लीग से बाहर हुई बारसालूना तुम क्या रीजन देख सकते हो इंजरी की वजह से बाहर हुई ठीक है भाई इंजरी तो बाकी क्लब्स के अंदर भी होती है चेल्सी के साथ हुई है रियल मंडल के साथ हुई थी दे स्टिल मेड मेड इट थ्रू इनटू कप कॉम्पिटन दे वर स्टिल कंपीटिंग इन लीग्स दे वर स्टिल गोइंग डीप इन द चैंपियंस लीग उनके साथ क्यों नहीं था ये पंगा वो भी तो कर रहे थे ना रेफरी डिसीजन मेक बट भाई इफ बार्सलोना द ओनली क्लब इन द वर्ल्ड जिसके खिलाफ गए रेफरी डिसीजन ओके 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 तो मतलब यहां भी यहां पे सब आ जाता है यहां पे क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पे तुम्हें दोनों तरफ से चीजें डिटर्मिन करनी पड़ेगी कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग एंड इस पॉइंट पे ना अगर कोई बार्सलोना फैन है आई बिलीव यहां पे तुम्हें बस एक डिसीजन बताना पड़ेगा कि डू यू वांट टू गो इन फॉर द क्विक सक्सेस एंड रिस्क इट ऑल या यू वॉन्ट अ बिग प्रोजेक्ट यू वॉन्ट टू बिल्ड समथिंग लाइक मैन सिटी क्योंकि अगर तुम लोग सोच रहे हो कि बार्सिलोना को एक मैनचेस्टर सिटी जैसा या फिर प्रॉब्ली एक लिवरपूल जो थी आसनल जो थी ऐसा कुछ एक्सपोर्टिंग प्रोजेक्ट बनना चाहिए रियल मेड्रिट जैसा एक्सपोर्टिंग प्रोजेक्ट बनना चाहिए जो कि अपने आप में प्रॉब्ली फुटबॉल का सबसे सेल्फ एफिशियंट सफिशियंट फुटबॉल प्रोजेक्ट है अंडर रेटेड है लोग बात ही नहीं करते भाई मैन सिटी का स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट है भाई लिवरपूल ने क्लॉप के अंडर जो स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट है वो बहुत बढ़िया है भाई लेकिन रियल मेडिट का स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट भाई सही टाइम पर प्लेयर्स को निकालना सही रिक्रूटमेंट करना ऑफर आ रहा है सही टाइम पे प्लेयर को जान दो कोई भी प्लेयर को ईगो इतनी मत बड़ी होने दो अपने अंदर दैट ही बिकम्स बिगर देन द क्लब कोई भी प्लेयर बार्सिलोना के जो वेटरन्स इस वक्त क्लब के अंदर है लेजेंड्स के नाम पे दे रॉट द क्लब फ्रॉम इनसाइड दैट इज द रियलिटी लेजेंड्स के नाम पर कि ये टीम प्ले, ये तो प्लेयर्स खेलेंगे ही खेलेंगे बुस्केट्स का रिप्लेसमेंट तो हमारे पास है ही नहीं और अगर अब 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 अगर हमें बुस्किट्स का रिप्लेसमेंट ढूंढना है यू नो वाई आई एम सो मच अगेंस्ट बार्सेलोना गोइंग फॉर साइनिस जो कि बुस्किट्स का डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है क्योंकि दैट गारंटीज की हम लोग इसी एक सिस्टम को चिपक कर रहेंगे और अगर वो एक प्लेयर नहीं खेल रहा अगर बुस्किट्स नहीं खेल रहा पूरी टीम चुट जाएगी जो भी उसका रिप्लेसमेंट लेकर रहेंगे अगर वो सही से नहीं खेल रहा पूरी टीम चुट जाएगी बार्सलोना इसी सिस्टम के ऊपर रिलायंट होना इज रॉन्ग बारसलूना नीट टू भाई देखो मेरे ओपिनियन में आई नो रिएक्शनरी होकर काफी सारे चीजें मैंने बोल दी टीम के ऊपर कि अगर शावी ये नहीं करता वो नहीं करता ही शुड बी आउट बट द रियलिटी इज दैट यू हैव टू गिव हिम डेड और सीजन ये जो बचा हुआ सीजन है एंड द नेक्स्ट सीजन नेक्स्ट सीजन के एंड में ही तुम बोल सकते हो कि शावी शुड बी आउट और नॉट दैट इज द हार्श रियलिटी क्योंकि अगर तुम उसे इस सीजन पूरा तुम्हें देना ही पड़ेगा तुमने उसे उसी साइनिंग दी है तुमने तुमने उसको सब कुछ दिया है तो तुम उसे टाइम नहीं दोगे तो यू तो कोई भी अगर और मैनेजर आता तो वो तुम्हें कुछ नहीं जता पाएगा उसके साथ भी क्योंकि उसको भी तुम्हें टाइम देना पड़ेगा वो अपनी साइनिंग्स मांगेगा वो अपना सब, सब कुछ मांगेगा तो तुम्हें उसके साथ भी करना ही पड़ेगा तो नेक्स्ट सीजन प्रॉब्ली जब तुम थोड़े और रिवैम्पिंग करोगे थोड़े और प्लेयर्स लेकर आओगे डिफेंस थोड़ा और सॉलिड करोगे तुम्हारे बैकअप्स वॉन्ट भी <laughs> मार्कसलोंक्टे बेलरिन जेर आर पी के ये तुम्हारे बैकअप्स नहीं होंगे सर रोबर्टो रोबोटो रोबर्टो तो फिर इतना अच्छा खेल रहा है सीजन वो पता नहीं क्यों बेचारे रपे में आ रहे हैं फॉर एग्जाम्प मतलब तुम्हें पता है बेसिकली अगर तुम्हारे ये ऑप्शन नहीं होंगे तुम्हारी बेंच के ऊपर तुम्हारी डेप्थ में ये प्लेयर्स नहीं होंगे तब प्रॉब्लबली तुम स्टार्ट करोगे सब पे बात करना कि चलो भाई ठीक है नाउ वाट इज गोइंग रॉन्ग अगर शावी इस टीम के साथ कुछ नहीं उखाड़ पा रहा ही इज द रॉन्ग ही इज द रॉन्ग वेंट क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी इवेंट्स वेंट अगेंस्ट बारसोलोना कि तुम एक चीज डिटर्मिन नहीं कर सकते एंड बारसोलोना वॉश शेट दिस इज द रियलिटी बारसोलोना वॉश शेट अगेंस्ट बायन बार्सलोना वॉट शेट अगेंस्ट इंटरमिलान बोथ गेम्स वो एक इंस्टेंसेज में थे जब देवर गुड दे स्कोरिंग गोड्स बट दे डिफेंसिवली पुअर दोनों गेम्स के अंदर देवर अटैकिंगली वलनरेबल अटैकिंगली वलनरेबल क्योंकि बिकॉज दे नॉट फिनिशिंग इनफ एंड जब भी दे क्रिएटिंग सो मेनी चांसेज दे क्रिएटिंग दम इन स्पेस जहाँ पे स्कोर करना इज नॉट गुड फॉर देम लाइक ऑप्शन ही नहीं बन पा रहा वहां से स्कोर करने का तो इतनी सारी चीजें जब तुम्हारे खिलाफ चल रही हैं क्योंकि भाई देखो इंजरीज वगैरह सब कुछ एबसेंटीज बाकी क्लब्स में भी होते हैं बट दे हैव टू मेक श्योर देट दे हैव अ प्लान फॉर देट बार्सलोना जस्ट डिट है प्लान फॉर दैट एंड इवन इफ दे डिड दैट प्लान फील्ड एंड एंड मेंटेलिटी मेंटेलिटी इज द ओनली थिंग भाई बार्सलोना इज नॉट अ मेंटली Strong इनफ क्लब आई डोंट नो वाई वाई बात है भाई एज अ बासलूना फैन की वो टीम के अंदर वो मैंटेलिटी वाली आ, 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 पहले मिनट पर बाइंग के अगेंस्ट पहले मिनट से पता लग गया था दे आर ऑन द फील्ड टू लूज दे आर ऑन द फील्ड टू लूज वो लोग पहले ही हार मान चुके हैं क्योंकि ऑलरेडी उन्हें पता वो लोग लो यूरोपा जा रहे हैं तो इस मैच में जीतने का कोई फायदा तो है नहीं एफर्ट लगाने का कोई फायदा तो है नहीं लेकिन फिर भी हमें जो प्लेयर्स भागते दिख रहे थे देवर आर यंगस्टर्स हमारे यंगस्टर्स यहाँ से वह कुत्तों की तरह भाग रहे हैं तेट सेट और कुछ नहीं है बुस्किट्स तो फील्ड के ऊपर था ही नहीं कोई और बंदा फील्ड के ऊपर था ही नहीं बस हमारे यंगस्टर्स यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं फ्रेंकी ड्योंग कुछ करने की कोशिश कर रहा है बाल्टे कुछ करने की कोशिश कर रहा है डिम्बेले कुछ करने की कोशिश कर रहा है नहीं हो पा रहा ओवर हो रहा है जो मर्जी हो रहा है बट दे आर ट्राइंग आन फाटी फील्ड आया है ऊपर देन ही इज ट्राइंग थिंग्स तो जो भी है एट दिस पॉइंट मैंटेलिटी अगर ये यंगस्टर्स के ऊपर चढ़ गई एक बारी एक बारी इसलिए विनिंग इज इंपॉर्टेंट अगर मैं इस पॉइंट पे हूं ना कि मेरे लिए क्यों विनिंग इज इंपोर्टेंट एज अ बार्सलोना फैन यूरोपा इज क्यों इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर ये हारने की आदत अगर ये मैंटेलिटी हमारे यंगस्टर्स के ऊपर चढ़ गई बार्सिलोना क्लब इज फिनिश्ड बार्सिलोना क्लब इज फिनिश्ड अगर ये मैंटेलिटी हमारे प्लेयर्स के ऊपर चढ़ गई हमारे यंगस्टर्स के ऊपर चढ़ गई बार्सिलोना का स्क्वाड इज वेरी गुड ठीक है हम लोग प्रॉब्ली यूरोपा में डीप जाने के लायक हैं हम लोग लीग में कंपीट करने के लायक हैं बिल्कुल है लेकिन ये मेंटेलिटी हम लोगों को प्रॉबेबली ले डूबेगी दैट इज द हार्श रियलिटी हम लोग प्रोबेबली एक मैच के अंदर मैचस्टर यूनाइटेड आजनल ऐसी टीम को फेस करेंगे एंड बिकॉज दे वुड बी ऑन अ फियर रन बिल्कुल भाई मैंचेस्टर यूनाइटेड अनबीटन आ रही होगी आजनल तब लीग के टॉप पर बैठी होगी तो बार्सलोना के प्रॉब्ली ये सारे ये वेटेरन्स लेजेंड्स ये प्रॉब्ली उन मैच के अंदर भी एक दो ऐसी गलती करेंगे जिसकी वजह से बार्सलोना बाहर हो जाएगी एंड देन देन वी विल जस्ट मेक दिस वीडियो कि कैसे जब वो प्लेयर्स बाहर हो जाएंगे तब बार्सेलोना विल बिकम अ बेटर क्लब बट द फैक्ट एस की बात चलू ना माइट बिकम अ बेटर क्लब आफ्टर दिस प्लेयस गो आफ्टर द मैंटैलिटी इज रिजोल्व्ड बट एक बार ये मैंटेलिटी हमारे उन यंगसर्स के ऊपर चढ़ गई ना दे नथिंग कैन स्टॉपअस क्योंकि अगर तुम्हारे उन्नीस साल का पेडरी तुम्हारा बीस साल का पैडरी हारने का आदि हो गया कि हर बारी टीम वन टीम इज़ वन नियल डाउन तो सारे के सारे प्लेयर्स चल रहे हैं अगर तुम्हारी टीम टू नील डाउन है तो फिर तो सारे प्लेयर्स हार मान चुके हैं भाई क्योंकि तो हम लोग तो हार ही गए हैं लाइक नथिंग कैन एपन फ्रॉम हेयर कोई भी फाइट बैक स्पिरिट है ही नहीं तो भाई एक बारी उन्नीस साल का पेडरी वो चीज़ सीख गया नथिंग कैन सॉप द क्लब दे कुछ नहीं बचा सकता क्लब तुम्हारे जितने मर्जी लिवर्स पुल कर लो जितने मर्जी किडनियाँ पुल कर लो जो भी बेच लो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर लो नथिंग कैन हेल्प यू नथिंग कैन हेल्प यू माई बॉय दैट इज द हॉर्स रियलिटी वीएर गोइंग टू यूरोपा वॉइस आई होप भाई तुम लोग बॉसलूना फैन अगर तुम हो तो तुम्हें प्रॉब्लम भाई आई डोट थिंक तुम्हें इतना इफेक्ट होना चाहिए इस चीज़ से लाइक बट हो गए भी तो तुम हो गए होना भी चाहिए भाई वट द वक भाई वट द वक क्या ये बासा फैंस का कारमा है पूरा फैन बेस अरे भाई अब मैं ये नहीं बोलूँगा मैं नहीं था भाई प्रोबेबली सब हो गए भाई सब थे तुम भी थे तुम मना नहीं कर सकते अगर इस टाइम पे बार्सलोना के अलावा कोई और क्लब के साथ ये सब कुछ हो रहा होता तो क्या तुम मजाक में उड़ाते तुम उड़ाते तुम गांड ले लेते भाई बारसलोना फैन बेस सबसे हराम खोर फैन बेस है भाई फुटबॉल का सबसे हराम खोर भैन चो तो वो जीना हराम कर दे लोगों का भाई तो ऑब्वियसली अब लोग हमारा जीना हराम करेंगे तो उसके अंदर कोई दैट दैट इज जस्ट गिवें टेक है अगर तुम उससे बॉदर हो रहे हो दैट इज़ दैट इज़ अ व वेरी पुअर वे टू अप्रोच फुटबॉल बट अगर तुम फुटबॉल वे से अप्रोच करो इस गेम को तो बार्सलोना रियली नीड्स एज अ क्लब टू सॉल्व अ लॉट ऑफ इशू अ लॉट ऑफ इशू वरना बाई ने जो बोला था ना कि भाई इन फ्यूचर बार्सलोना माइट नॉट एग्जिस्ट एज अ बिग क्लब अगर चढ़ गई भाई प्लेयर्स के ऊपर ये मैंटेलिटी दे माई नॉट दे माइट नॉट